बच्चों, आपने वैदिक गणित की मदद से अभी तक अंकगणित के प्रश्न हल किए हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वैदिक गणित की सहायता से हम बीजगणित के सवालों को भी हल कर सकते हैं। और गुणा की जो विधियां आपने देखी थी, जिसमें आपने ऊर्ध तिर्यक विधि का इस्तेमाल किया था, उस विधि से हम बीजीय व्यंजकों का भी गुणा कर सकते हैं। और इस काम को हम उदाहरण 30 में देखेंगे। उदाहरण 30 में हमारे पास दो संख्याएं हैं, 3x - 1, और दूसरी संख्या है या दूसरा व्यंजक है 2x - 4। इनका हम आपस में गुणा करते हैं। तो जिस तरह से आपने अंक संख्याओं का गुणा किया था, उसी तरह से आप इन्हीं बीजीय संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हम पहले स्तंभ का गुणा करेंगे, फिर पहले और दूसरे स्तंभ की के पदों का गुणा करेंगे, और बाद में हम दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे। तो देखिए सारे परिणाम कैसे आते हैं। हम पहले स्तंभ का गुणा करें, इसको लिखें पहले स्तंभ का गुणा, और यहां पर आपके पास धन एक है और धन चार है, तो धन एक गुणा धन चार, और इसका परिणाम आपको मिलेगा धन चार के रूप में। ये आपको एक पद मिला। उसके बाद आप दूसरे और पहले स्तंभ का गुणा करेंगे, तो इसको आप लिख लें पहले और दूसरे स्तंभ का गुणा, इसके लिए आपको दोनों व्यंजकों को लिखना होगा। यहां आपके पास 3x - 1 है और फिर 2x - 4 है, तो आप 3x का गुणा 4 के साथ करेंगे और 2x का गुणा 1 के साथ करेंगे, और जो परिणाम आएगा उसे हम लिखेंगे। तो 3x और 4 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 12x - 2x और 1 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 2x, और ये परिणाम आपको मिला 14x के बराबर। तो ये आपके गुणा का दूसरा पद हुआ। और अंत में हम दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, तो इसे आप लिखें दूसरे स्तंभ का गुणा, और यहाँ आपके पास है 3x और 2x, तो आप 3x और 2x का गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा 3 × 2 = 6x² तो आपको तीन पद मिल गए। यदि घात के घटते क्रम में आप देखें, तो पहले आपको लिखना होगा 6x² + 14x - 4, तो आपका गुणनफल हुआ 6x² + 14x - 4। ये जो आपको जो व्यंजक मिल रहा है, वो इन दोनों व्यंजकों का गुणा है। 3x - 1 × 2x - 4 = 6x² + 14x - 4, ये आपका हल है।